मैं सिप्पी सलोनी और मेरे क्लासमेट मोहित कुमार, हम दोनों दयानंद आयुर्वेदिक पीजी मेडिकल कॉलेज के द्वितीय वर्ष के स्टूडेंट्स हैं। आज हम दोनों प्रमेह रोग के बारे में कुछ बतलाना चाहते हैं। बार बार गंदले मूत्र का त्याग करना प्रमेह कहलाता है। प्रमेह रोग अष्टगद में से एक गद होता है। आज के समय में प्रमेह रोग से लगभग हर घर में कोई ना कोई पीड़ित है। जैसा कि हम जानते हैं, मनुष्य की त्रिस्तंभ वात पित्त और कफ होता है, परंतु अगर इन तीनों में से किसी में भी विषमता आ जाती है तो मनुष्य रोगग्रस्त हो जाता है। प्रमेह भी तीनों दोषों के विषमता से उत्पन्न होने वाली व्याधि है, किंतु यह कफ प्रधान व्याधि होता है। प्रमेह के लक्षण प्रचुर मात्रा में तथा प्रभूत मात्रा में मूत्र निर्माण, पॉलीयूरिया, अविल मूत्रता, टर्बाइड यूराइन, मूत्र की मक्षिका कांत होना, श्वेत तथा घन मूत्र की प्रवृत्ति, अकस्मात मूत्र का निर्गमन, बेड वेटिंग, शरीर जाडता, स्टिफनेस ऑफ द बॉडी, ये सारे प्रमेह के लक्षण हैं। मॉडर्न में प्रमेह को डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। डायबिटीज मेलाइटस एक मेटाबॉलिक डिजीज है जिसमें ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, जिसका कारण होता है इंसुलिन का बॉडी के द्वारा या तो कम सिक्रेशन होना या तो नहीं होना, या फिर जो इंसुलिन सिक्रेट होता है वो बॉडी सेल्स द्वारा यूज नहीं हो पाता। ग्लूकोज का नॉर्मल वैल्यू डायबिटिक पेशेंट और नॉन डायबिटिक पेशेंट दोनों में डिफर करता है। नॉर्मल पेशेंट का ग्लूकोज लेवल 70 to 100 mg/dL होता है, वही नॉन डायबिटिक पेशेंट का मोर देन 125 mg/dL होता है। अगर ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो उस कंडीशन को हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं, अगर नॉर्मल से कम हो तो उसे हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं। डायबिटीज 3 प्रकार का होता है, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज एंड जेस्टेशनल डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज ऐसा कंडीशन है जिसमें बॉडी इंसुलिन फॉर्मेशन नहीं करता है। टाइप 2 डायबिटीज का ऐसा कंडीशन है जिसमें बॉडी इंसुलिन सिक्रेशन तो करता है किंतु वह पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है, अगर होता भी है तो बॉडी सेल्स द्वारा यूज नहीं हो पाता है। जेस्टेशनल डायबिटीज यह केवल महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान होता है, जो कि टाइप 2 डायबिटीज की तरह ही होता है। कॉजेज ऑफ डायबिटीज, डायबिटीज़ के बहुत सारे कॉज हो सकते हैं, जैसे बॉडी सेल्स द्वारा इंसुलिन का रेसिस्टेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस, ऑटो इम्यून डिजीज, डैमेज इन पैनक्रियाज, जेनेटिक म्यूटेशन, प्रेगनेंसी और साथ में लाइफस्टाइल जैसे ओबेसिटी, ओवरवेट, फिजिकल इनएक्टिविटी। डायबिटीज़ होने पे बहुत सारे लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे बार बार प्यास लगना, गले का सूखना, बार बार पेशाब होना, थकान, दृष्टि में धुंधलापन, वेट लॉस, हाथों और पैरों में सेंसेशन का लॉस होना, घाव या कट होने पे उसको देरी से ठीक होना, स्किन इन्फेक्शन। आयुर्वेदा में प्रमेह के लिए बहुत सारे आयुर्वेदिक ड्रग्स हैं जो कि बहुत हद तक ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं, जैसे आंवला। आंवला हैज़ विटामिन सी इन एबिडेंस डैट बिल्ड्स आवर इम्यून सिस्टम। आंवला जूस इज़ बेनिफिशियल फॉर डायबिटिक पेशेंट एंड कैन बी कंज्यूम्ड इन द मॉर्निंग। गिलोय, गिलोय इट बर्न्स एक्स्ट्रा ग्लूकोज इन द बॉडी एंड मॉडरेट शुगर लेवल्स। ड्रमस्टिक लीव्स, इट हैज़ एंटी ऑक्सीडेंट्स विच हेल्प्स टू लोअर ब्लड प्रेशर एंड क्लोरोजेनिक एसिड विच रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल्स। फेनुग्रीक सीड्स, इट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड शुगर। जामुन, जामुन सीड्स आर रिच इन एल्कलॉइड्स विच हैव हाइपोग्लाइमिक इफेक्ट्स। तुलसी, तुलसी इज ऑल्सो नोन एज होली बेसिल्स। इट हीलिंग्स पावर हेल्प इन लोअरिंग शुगर लेवल एंड इट इज